आदियों में बसा भीलत देव मंदिर परिसर में निमाड़ क्षेत्र आधुनिक भोजनशाला का शुभारंभ किया गया। भीलत देव सेवा समिति अध्यक्ष दिनेश यादव ने बताया कि आधुनिक भोजनशाला में पाप द्वारा भोजन पकाया जाएगा और भोजनशाला में मशीन द्वारा रोटी बनाई जाएगी। एक घंटे में 2800 रोटियां होंगी। वहीं यहां पर 4 कुकर लगाए गए जिसमें 600 लीटर दाल कढ़ी सब्जी बनाई जाएगी। वहीं भोजनशाला में झूठी ताली धोने के लिए भी मशीन लगाई गई है जो कि एक घंटे में 2200 थालियां धोकर साफ करेगी, जिससे कि बॉयलर के द्वारा जो स्टीम निकलेगी उससे प्रदूषण नहीं होगा। करीबन 700 से 800 यहाँ पर श्रद्धालु भोजन एक साथ कर सकते हैं और उम्मीद है कि आज सावन का मात्र एक दिन बचा हुआ है और यहाँ पर अधिक से अधिक संभावना श्रद्धालुओं की आने की। मध्य प्रदेश का पहला बनाने के पीछे ये उद्देश्य है कि यहाँ किसी प्रकार का ज़्यादा से ज़्यादा प्रदूषण नहीं हो और ये कम से कम जो है ईंधन में यहाँ पर भोजन तैयार हो, इसलिए ये आधुनिक भोजनशाला का शुभारम्भ किया गया है। थाली धोने का भी सिस्टम लगाया गया है, थाली धोने के लिए भी सिस्टम लगाया गया है। हाँ, इसमें हमारे पास जो मशीन जो है, ये 30 वाट मशीन जो है, इसके माध्यम से जो थाली धोई जाएगी, क्योंकि पहले जो हमारे VIP श्रद्धालु आते थे दधिया के अंदर